में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 2022-23 के एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो बताइए दोस्तों, कौन से प्रोटीन होते हैं? तो वो होते हैं एक्टिन और मायोसिन। आगे चलते हैं दोस्तों। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? यूकेलिप्टस, सिंकोना, नीम, देवदार। कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है दोस्तों? तो ये निकाली जाती है सिकोना की, पेड़ की छाल से निकाली जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन अभिक्रियाएं, विखंडन अभिक्रियाएं, दहन अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सौर ऊर्जा में कौन सी अभिक्रियाएं होती है दोस्तों? संलयन अभिक्रियाएं, विखंडन अभिक्रियाएं, दहन अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कौन सी अभिक्रियाएं हैं दोस्तों? तो इसमें होती है संलयन अभिक्रियाएं होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव, कल्हण, कालिदास, राजा राव। तो कौन थे दोस्तों गीत गोविंद के लेखक? गीत गोविंद के लेखक कौन थे दोस्तों? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। एडम स्मिथ के अनुसार कौन सा कराधान का अभिनियम नहीं है? निश्चितता का अभिनियम, सरलता का अभिनियम, सुविधा का अभिनियम, किफायत का अभिनियम। तो कौन सा अभिनियम नहीं है दोस्तों? बताइए दोस्तों, कौन सा अभिनियम नहीं है? तो ये निश्चितता का अभिनियम ये नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे एसपी सेन वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, केवी के सुंदरम, सुकुमार सेन। तो कौन थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन थे। आगे चलते हैं दोस्तों। व्हाइट टाइगर के लेखक हैं अरुंधति राय, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, वी एस नायपाल, अरविंद अडिग। कौन है दोस्तों व्हाइट टाइगर के लेखक? तो व्हाइट टाइगर के लेखक है अरविंद अडिग है। कौन है दोस्तों? अरविंद अडिग। आगे चलते हैं। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया है? नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा, जनसत्ता। बताइए दोस्तों, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया है? तो वो किया था जनसत्ता, जनसत्ता समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2810, 2684, 2882, 2108। तो कौन सा है दोस्तों बताइए? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? पेरिस, न्यूयॉर्क, स्पेन, मोरक्को। बताइए दोस्तों, इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता जो है दोस्तों, ये मोरक्को का यात्री है। कहाँ का यात्री है दोस्तों?
मोरक्को का यात्री है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो वो है रेहला। क्या है दोस्तों? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला है। आगे चलते हैं दोस्तों। रैयतवाड़ी भू व्यवस्था किसके हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? कृषकों के, मराठों के, महालवाड़ों के, गांव के? किसके हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों? तो वो करती है कृषकों के। आगे चलते हैं दोस्तों। जन्म से पहले शिशु का लिंग सुनिश्चित होता है? पिता के शुक्राणु से, माता के शुक्राणु से, माता पिता दोनों के शुक्राणु से, अन्य से? तो शिशु का लिंग किससे सुनिश्चित होता है दोस्तों? ये होता है पिता के शुक्राणु से होता है। पिता का शुक्राणु डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की, क्योंकि पिता के शुक्राणु में ही एक्स वाई पाया जाता है, माता में तो सिर्फ एक्स एक्स पाया जाता है। तो इसलिए ये पिता के शुक्राणु ही सुनिश्चित करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में पुष्कर मेले का आयोजन होता है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर? किस जिले में होता है दोस्तों पुष्कर मेले का आयोजन? तो ये होता है राजस्थान के अजमेर में। यहाँ पे जो है पुष्कर मेले का आयोजन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। सीप किला दर्रा स्थित है कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, अजमेर घाटी, सतलज घाटी? किस घाटी में अवस्थित है दोस्तों सिप किला दर्रा? सिप किला दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सतलज घाटी में अवस्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश? कहाँ पे हुई थी दोस्तों साम्यवादी सरकार की स्थापना? तो सबसे पहले ये हुई थी केरल में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? 1986, 1972, 1981, 1984? किया गया है दोस्तों बताइए। तो वो किया गया है 1900, कब किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है 1986 में। आगे चलते हैं दोस्तों। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, झारखंड? कहाँ पे स्थित है दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान? तो ये स्थित है असम में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका? बताइए दोस्तों कहाँ पे हुआ था लिखित संविधान का प्रारंभ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था दोस्तों ब्रिटेन से हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्तों? ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना? किसने कहा है दोस्तों संविधान को एक पवित्र दस्तावेज? तो ये कहा किसने दोस्तों? ये कहा है बी आर अम्बेडकर ने कहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। राम प्रसाद का नाम किससे संबंध है? कानपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस?
किससे संबंधित है दोस्तों रामप्रसाद बिस्मिल का नाम? तो इनका नाम किससे संबंध है? इनका नाम संबंध है काकोरी षड्यंत्र केस से। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।